हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में सबसे पहले आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पहला अपडेट है वो गूगल की तरफ से आता है। जी हाँ, आज का जो सबसे पहला अपडेट है गूगल की तरफ से आता है। गूगल का जो पिक्सल 3 एंड पिक्सल 3 एक्सल डिवाइस है, जी हाँ, गूगल का जो पिक्सल 3 एंड पिक्सल 3 एक्सल डिवाइस है, इसमें आपको 10 वाट का फास्ट चार्जर की ऑप्शन मिल जाता है। जी हाँ, 10 वाट की फास्ट चार्जर ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन जो नॉन गूगल डिवाइस है, जी हाँ, जो नॉन गूगल डिवाइस है उसमें भी आपको 5 वाट की फास्ट चार्जर की सपोर्ट इसमें मिल जाएगा। जी हाँ, जो आदर्श वायरलेस चार्जर है उसमें आपको 5 वाट की वायरलेस चार्जर की सपोर्ट मिल जाएगा गूगल पिक्सल 3 एंड पिक्सल 3 एक्सल में। तो फ्रेंड, दूसरा जो अपडेट है रेजर फोन की तरफ से आता है। जी हाँ, रेजर फोन चाइनीज मार्केट एंड यूएस मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा बहुत ही जल्दी। जी हाँ, चाइनीज मार्केट एंड यूएस मार्केट में बहुत ही जल्दी लॉन्च किया जाएगा। उसका जो कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हो गया है, इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। जी हाँ, एमोलेड डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलने वाला है। एंड इसमें एंड्रॉयड 9.0 पाई अपडेट के साथ ही आ रहा है आउट ऑफ बॉक्स। एंड इसमें क्वालकम स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट भी लगाया गया है। क्वालकम स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट के साथ ये लगाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगला जो अपडेट आता है गूगल की तरफ से आता है। जी हाँ, गूगल सेलिब्रेट कर रहा है 10 साल। जी हाँ, गूगल सेलिब्रेट कर रहा है 10 साल। इसमें आपको गूगल का जो सबसे पहला जो एंड्रॉयड वर्जन था 1.6, जी हाँ, 1.6 गूगल का जो सबसे पहला और एंड्रॉयड वर्जन था। एंड उसके बाद ही आया है 2.2, जी हाँ, उसके बाद आया है 2.2, उसके बाद 4.1 जेली बीन आया है। जी हाँ, उसके बाद 4.1 जेली बीन आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद 4.4 किटकट, उसके बाद मार्शमेलो, उसके बाद नोगट, उसके बाद ओरियो। एंड अभी जो रन कर रहा है करेंट सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो है एंड्रॉयड 9.0 पाई। तो फ्रेंड, ये पूरा गूगल का हिस्ट्री है। जी हाँ, ये पूरा गूगल का हिस्ट्री है जिसमें आपको गूगल 10 साल पूरा कर रहा है, ये सेलिब्रेट कर रहा है गूगल। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो गूगल की तरफ से एक बढ़िया अपडेट है। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो अपडेट निकल के आता है हुआई की तरफ से आता है। जी हाँ, इसका जो दूसरा अपडेट निकल के आता है वो हुआई की तरफ से आता है। हुआई का EMUI 9.0, जी हाँ, EMUI 9.0 बीटा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है। जी हाँ, बीटा प्रोग्राम आपको इसमें स्टार्ट कर दिया गया है। जो डिवाइसेस है इसका P10, Mate 9 एंड Honor 9, जी हाँ, एंड मोर, इससे भी और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं। लेकिन इसका जो हाइलाइट्स है ये 3 डिवाइस है। इसमें आपको बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिलेगा। इसमें आपको बहुत सारे नए फीचर्स एंड नए अपडेट के साथ ही आपको मिल रहा है। एंड्रॉयड 9.0 पाई अपडेट के साथ ही मिल रहा है। इसका जो और कुछ डिवाइसेस है मैं बता रहा हूँ, वो डिवाइस में डिवाइस का नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हुआई Mate 9, Mate 9 प्रो, P10, P10 प्लस, जी हाँ, P10, P10 प्लस, Nova 2S, Nova 3 एंड MS 10, MS 10 प्रो। तो फ्रेंड्स, Note 10, ये सारे डिवाइस है इसमें EMUI 9.0। इसका जो बीटा प्रोग्राम ये टेस्ट चल रहा है और इसमें आपको बहुत ही जल्दी ये अपडेट मिल जाएगा 9.0 पाई अपडेट के साथ। जो जिस डिवाइस में एंड्रॉयड 9.0 पाई अपडेट नहीं है उस डिवाइस में भी आपको एंड्रॉयड 9.0 पाई अपडेट के साथ ये 9.0 EMUI का अपडेट भी मिल जाएगा। इसका जो साइज होने वाला है 1.9 GB के आसपास। जी हाँ, इसमें आपको ये अपडेट बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो अपडेट आता है फ्रेंड्स, हुआई Mate 20। जी हाँ, हुआई Mate 20 का जो RS डिजाइंस वर्सन है ये प्री ऑर्डर स्टार्ट हो गया है US मार्केट में। जी हाँ, प्री ऑर्डर ये स्टार्ट हो गया है US, वहाँ पे जाके प्री ऑर्डर कर सकते हैं। इसका जो वेरियंट्स इसमें अवेलेबल करवाया गया है 8 GB, 256 GB मॉडल का जो प्राइस रखा गया है 1000। आप उधर से जाके ये प्री ऑर्डर कर सकते हैं, इसका प्री ऑर्डर स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड, दूसरा जो अपडेट निकल कर आता है फ्रेंड्स वो आता है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, दूसरा जो अपडेट है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A7 का जो रिव्यू चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी A7 का जो रिव्यू है वो चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। इसका कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपका साथ शेयर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको इसमें मिल जाएगा। जी हाँ, 24 MP का आपको इसमें मेन कैमरा मिल जाता है एंड 40 MP का इसमें आपको
इसमें आपको 24 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है एंड डिप्थ लेंस कैमरा जो 5 मेगापिक्सल के साथ आता है ये भी आपको यह मिल जाएगा। 6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, 6 पॉइंट का सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिलेगा। तो इसमें आपको 64 GB 128 GB वेरियंट एंड 32 GB 64 GB वेरियंट आपको इसमें डिवाइस मिल जाएगा। तो इसका जो बैटरी साइज है 3500 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाता है। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा डिवाइस होने वाला है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा डिवाइस होने वाला है। अगला जो अपडेट निकल कर आता है फ्रेंड्स, जी हाँ सैमसंग की तरफ से आता है। जी हाँ, ये भी सैमसंग की तरफ से आता है। सैमसंग की एक VR, जी हाँ सैमसंग की एक VR लॉन्च किया है सैमसंग। बहुत ही जल्दी आपको ये मार्केट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इसमें आपको डोर इफेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ दिया गया है। जी हाँ, डोर इफेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको 110 डिज़ाइन देखने को मिलेगा। जी हाँ, 110 डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसका जो प्राइस रखा गया है फ्रेंड्स, $500। जी हाँ, इसका जो प्राइस रखा गया है $500। ये अभी कुछ ही शहरों में यह अभी लॉन्च किया गया है, कुछ ही कंट्री में यह अभी लॉन्च किया गया है। इसमें आपको साउथ कोरिया, चाइना, हांगकांग एंड ब्राज़ील ये सारे कंट्री में आपको ये डिवाइस देखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट में कब तक आएगा ये अभी बता नहीं सकते फ्रेंड्स। आज इतना सारा अपडेट था। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन लोगों को भी पता चले इस अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।